क्या आपने कभी भूत देखा है? नहीं ना। क्या कभी सोचा है कि एक इंसान भूतों के बीच में रह सकता है? नर्स, वार्ड नंबर 11 के पेशेंट को चेक करना प्लीज। उठ गए आप? गांव से पढ़ाई करने के लिए शहर आया और एक किराए के घर में रहने लगा। पुनीत, गर्लफ्रेंड छोड़ के जा चुकी थी और आज जॉब भी छूट गई। इतने से क्या होगा, डोनेशन लग दी नौकरी के लिए। तेरे जैसे 36 घूमते हैं और मुझे पता है तुझे पहले भी नौकरी से निकाला गया है। निकल यहां से। फिर तरह तरह के तरीके सोचे मरने के लिए। एक काम करता हूँ, इस नदी में कूद के मर जाता हूँ। ओ भाई, यो क्या कर रहा है? भैया मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मतलब तू मारी नदी में कूद के मारी नदी ना गंदा करेगा? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। देख वो दिख रहा रास्ता सीधा हो ले, अरे आज के बाद सुसाइड करता दिख गया बहुत मारूंगा। यहाँ भी नहीं मिल रहा यार। भाई मैं तेरे को जब से देख रहा हूँ आगे पीछे घूमे जा रहा है, तू लेने क्या आया है यहाँ? बताएगा नहीं किसी को? भाई मैं ना सुसाइड करने वाला हूँ, मैं जहर लेने आया हूँ। मिल नहीं रहा, मैंने बहुत ढूंढा यहाँ, जहर मिलेगा यहाँ? अरे बाहर निकाल इसको। ए हीरो, हो गया? अच्छा ये बताओ मैं हूँ कहाँ पे? क्लब पार्टी में आया तू। अच्छा तू अंधा है क्या? दिख नहीं रहा क्या तेरे को? हॉस्पिटल में है तू? मतलब मैं इस बार भी नहीं मरा। अबे यार तुम मरना क्यों चाहते हो मुझे ये बताओ। अबे यार बहुत परेशान हूँ मैं अपनी जिंदगी से, तुम्हें नहीं पता। ऐसा क्या हो गया? अरे यार गर्लफ्रेंड छोड़ के जा चुकी है। हाँ मुझे पता था, आजकल के लड़कों को ना छोकरी चाहिए। अरे वो मेरा जॉब छूट गया ना, किराए के मकान में रहता हूँ, मकान मालिक मचमच कर रहा है पैसे के लिए, कहाँ से दूँ, पैसा नहीं है मेरे पास, इसलिए सुसाइड करने का सोचा। नर्स? हाँ डॉक्टर, तू यहीं रुक मैं आती है। हाँ तुम कौन? संस्कारी महिला। देख रही हूँ तुमको, बड़े पागल से लग रहे हो। अच्छा मैं पागल लग रहा हूँ? तो भी कम पागल नहीं है, ये मुंह कैसे फूटा तेरा? एक्सीडेंट हुआ था। तुम इंसान कम चुड़ैल ज्यादा लग रही हो, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ। ये किससे बातें कर रहा है? लगता है इसके दिमाग पे गहरा असर पड़ा है। ये डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी हैं, ये खा लेना। ठीक है? ठीक है। अरे कैसे कैसे पेशेंट रखे हैं मैडम आपने? कौन, कोई भी तो नहीं है? हाँ मतलब इतनी बड़ी औरत नहीं दिख रही तुमको? अरे कोई भी तो नहीं है। मतलब काली साड़ी में औरत नहीं दिख रही, मुंह पे घाव देखो उसके। नहीं मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। लगता है मैडम के दिमाग में असर पड़ा है ज्यादा। मैडम ये दवाई का जरूरत नहीं है मेरे को, रख लो तुम। चुपचाप दवाई खाओ तुम जब तक तुम ठीक नहीं होते। अरे मैडम तुम समझाओ ना इनको, मैं फिर से सुसाइड करने का नहीं सोचेगा। ये रखो तुम। लगता है ये पागल हो गया, डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। सर वो वार्ड नंबर 11 का पेशेंट उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। एक काम करो, उसे बेहोशी के 2 इंजेक्शन दे दो और सुला दो। ठीक है सर। सर उस पेशेंट ने बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है, मैं क्या करूं? एक काम करो, उसे बेहोशी के इंजेक्शन तो दे दिए थे ना, उसका बिल बनाओ और उसे घर भेज दो। और हाँ बिल कम बनेगा तो 2 इंजेक्शन ज्यादा लगाना। आपकी छुट्टी हो गया, आप जा सकते हो। अरे अच्छा,
ठीक है मैडम, हम मिलते हैं। ठीक है मैडम, बाय। बड़ा अजीब आदमी था यार, हॉस्पिटल में भी ना दिमाग खराब कर दिया नर्स ने। वैसे है तो बढ़िया थी यार, सेटिंग हो जाती मेरी उससे कितना मजा आता मेरे को। अरे राहुल आ रहा हूँ मैं, रुक। और भाई बचा लिया तुझे हॉस्पिटल वालों ने? अरे वैसे भी तू मर थोड़ी सकता है गैंडे, मोटी चमड़ी है तेरी। और मेरी बात सुन, मरना ना किस्मत में होता, और तेरी किस्मत में मरना है ही नहीं। अगर तेरे को मरना होता ना तेरी किस्मत में, तो तुम मर चुका होता अब तक। चल ठीक है यार, कोई बात नहीं। अरे ये हॉस्पिटल से अभी तक मेरा पीछा करते यहाँ तक आ गई वो लड़की ना, हॉस्पिटल से मेरा पीछा कर रही है, लगता है उसे मैं पसंद आ गया। अरे कौन सी लड़की भाई? अरे वो खड़ी है जो खंबे के पीछे, लगता है साला ये पागल है। हाँ हाँ दिख रही है ना मेरे को, दिख रही है ना, हाँ। काली साड़ी वाली, हाँ बहुत सेक्सी है। अच्छा लगता है इसके मरने की इच्छा पूरी नहीं हुई ना, इसलिए साला पागल हो गया। पागल हो गया भाई, तू एक काम कर, मेरी गाड़ी में बैठ, तुझे घर छोड़ देता हूँ। अच्छा ए सुनो ना। हाँ बोलो ना। मुझे घर तक छोड़ दोगे प्लीज? हाँ ठीक है, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। भाई तू कौन सी लड़की से बात कर रहा है? भाई वो काली साड़ी वाली, तूने तो कहा बड़ी सेक्सी लड़की है। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कुछ भी कहूंगा तू मान लेगा क्या? अरे तुझे लड़की नहीं दिख रही सामने? कौन सी लड़की? हाँ तू पागल हो गया, मेरे को बेवकूफ बना रहा बेटे, वहाँ खड़ी है खंबे के पास। तो पागल है, मेरे को पागल करेगा। आप आ जाओ। तूने एक काम कर, तू पैदल चले जा, मेरे गाड़ी के चारों टायर फट गए हैं, मुझे ना चेंज करवाने जाना है। अरे टायर तो सही हैं। अरे फटे हुए हैं देखना। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ ठीक है मैं ले चलता हूँ आपको एक दुकान में, चलो मेरे साथ। बोलता दिखाई नहीं दे रही है तो छुप के बैठी थी यहाँ। चलो तुम पागल हो गए अंकल जी, दिखता नहीं मैं खड़ा हूँ यहाँ? बेवकूफ गीला कर दिया मेरे को। तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ क्या मैं? क्यों नहीं दिखाई दोगे, इंसान ही तो आप। अरे बेटा मैं भूत हूँ। मतलब मेरे से मजाक करोगे हैं? इतने बड़े हो गए आप। सुनो ये मेरे पापा हैं। अच्छा ससुर तो अंकल जी है क्या? प्यारी बोना अंकल जी, बढ़िया लगा आपको मजाक भूत वाला, मैं भी बनता था ऐसे स्कूल में। बेटा मैं सच में भूत हूँ। लगता आप थक गए, पानी पी लो। ये आप पानी पियो, ये प्रोटीन वाला पानी। चलो ठीक है मैं चलता हूँ फिर। यार कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, और वो अंकल मैं तो भूत हूँ। अबे यार भूत वूत होते नहीं, घर चलता हूँ, शाम होने वाली है। ला 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 ला, डोरीमोन देखूँगा घर जाके आज। डोरीमोन और सिंचन, ऐसा क्यों लग रहा है कोई पीछे आ रहा है? अबे दिक्कत क्या है तुम लोगों की, और ये दो जने और कौन जुड़ गए? अरे बेटा ये जो सुंदर सी है ना, ये मेरी बीवी है, और ये जो बदसूरत सी है ये मेरी लड़की है, और वो मेरा लड़का है। अच्छा तो ये बीवी आपकी, इनको तो जानता हूँ मैं, आपकी लड़की है बड़ी मतलब अच्छी सी सुंदर। अरे शर्म करो, आज की युवा पीढ़ी को पता नहीं क्या हो गया है। अरे अंकल आप सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रहा था मैं, वैसे है लड़की बढ़िया। बेटा हमने सुना आप मरना चाहते हो। हाँ आंटी जी मरना तो चाहता हूँ मैं, लेकिन मर नहीं पा रहा हूँ, जितनी बार सुसाइड करने जाता हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई तरीका बताओ ना जिससे मर पाऊँ जल्दी। बेटा तुम्हें पता भी है
मरने के बाद क्या होता है? अरे अंकल जी बस करो, मुझे जानना भी नहीं है मरने के बाद क्या होता है, आपको बड़ा पता। मेरा पीछा छोड़ो, मैं घर जाता हूँ। बेटा पता है तुम्हें हम भूत हैं। अच्छा क्या मत जोक मारा, भूत हो, मैं भी भूत हूँ, मेरे से डरो। अच्छा तुम हम भूत परिवार की बेइज्जती कर रहे हो मूर्ख बालक। अंकल जी बड़ी शुद्ध हिंदी बोली आपने, एक बार फिर बोलना। मुझे बताओ ना कौन सी क्लासेस है, मैं भी ज्वाइन करूंगा। देखो हम सच में भूत है, हम एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे और जब से हम भटक रहे हैं। अच्छा पूरी कहानी सुनो ना, मजा आया। ये कोई कहानी नहीं है, तुम्हें मजाक लग रहा है। ठीक है ऐसे चिल्लाओ मत मेरे पे, मैं चेक करता हूँ आप असली भूत हो या नहीं हो। मजा आ गया, मैंने चेक किया तुम तो असली भूत हो ही नहीं। पूरी कहानी सुनाओ, मैं कौन सी फिल्म की है जरूर बताना मुझे, ठीक है? तुम हम सबका ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। अच्छा ऐसे नहीं उड़ा सकते, चलो फिर दूसरे तरीके से उड़ाऊंगा। बेटा तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता क्या? अंकल जी देखो भूतों से मेरे को बहुत डर लगता है, मेरी सुसु निकल जाती है, लेकिन मैं बहरूपियों से नहीं डरता। लेकिन हम तो असली भूत है बेटा। यार ये लोग मान नहीं रहे, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भूत तो है नहीं वैसे। अरे भाई यहाँ पे ये लोग दिखाई दे रहे हैं तुझे? यहाँ पर तो कोई नहीं है, ये अकेला खड़ा है, ये तो पागल है, इसको वैसे ही बोल देता हूँ। हाँ ब्रो सारे दिख रहे हैं। ये साला मेरे को भी पागल बना देगा, चुपचाप चले जाता हूँ यहाँ से। लो देखो हो गया साफ, उसे आप दिखाई दे रहे हो मतलब आप भूत नहीं हो। अरे वो लड़का झूठ बोल रहा है, उसे हम नजर नहीं आ रहे थे। अंकल जी आप झूठ मत बोलो, मुझे पता है नॉटी हो आप, है ना? वो देखो उड़ने वाला हाथी। हाथी नहीं उड़ता। अच्छा वो देखो कुत्ता। कुत्ते तो तुम हो ही। बेइज्जती कर दी मेरी मतलब आपने, है ना? हाँ बेइज्जती कर रहा हूँ, क्या उखाड़ लोगे मेरा? अच्छा बड़े हैवी हैं तो। अच्छा ठीक है फिर मैं चलता हूँ, बाय। यार ये पीछा क्यों कर रहा है मेरा, घर कब पहुंचूंगा? एक काम करता हूँ भागता हूँ। हाँ चलो अपने घर आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, उनसे पीछा छूटा, भूत 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 लगा रखा था सुबह से। मतलब तुम लोग घर तक चले आए, अब अंदर बेडरूम में चलो मेरे, आराम करते हैं थोड़ी देर। बेडरूम में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक मिल जाती तो मजा आ जाता। बड़े अश्लील हो अंकल जी। मूर्ख बालक तू हमें बेवकूफ बना के यहाँ चला आया तो और क्या करता, वहां खड़ा रहता आपके पास, भूत 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 नोटंगी कर रखी है एकदम, पागल बना दिया मेरे को। कितना भगाया बेटा अपने पीछे, तेरे पीछे भागते भागते ना थक गए हैं बिल्कुल, अस्थमा की प्रॉब्लम है मुझे और इस उम्र में तो वैसे भी जान निकल जाती है। अब मैं समझ गया आप लोगों को पैसे की जरूरत है ना, मैं अभी करता हूँ कुछ जुगाड़। अरे हमको पैसे नहीं चाहिए। नहीं आपको पैसे ही चाहिए, मैं समझ गया, आप दो मिनट रुको मैं एक घंटे में आया, ठीक है? अरे अरे पैसे नहीं चाहिए। हे भगवान इन पागलों को मेरे पीछे क्यों लगा दिया, घर तक चले आए हैं, क्या करूं? आइडिया, पुलिस को कॉल करता हूँ। बेल जा रही है, बेल जा रही है, पुलिस वाले जल्दी से उठा ले फोन, फिर देखता हूँ इनको कैसे घुसे मेरे घर में। बेटा ये गलत बात है, पुलिस को फोन नहीं करना चाहिए। अंकल जी मैं रील बना रहा था, मैं रील वीडियो, जो थारा भाई प्रिंस इतनी वीडियो बनाएगा इंस्टाग्राम सर्वर डाउन कर देगा। अरे नटंकी बहुत हो गई, अब हमारी बात भी सुन ले तू। आपकी बात तो सुन रहा हूँ, मेरी बात कब सुनी आपने? सुबह से बोले जा रहे हो, मुझे तो बोलने का मौका तक नहीं दिया। बेटा हम बहुत शक्तिशाली भूत हैं, जो मांगेगा हम तुम्हें देंगे। अंकल जी अब मेरे को ना बहुत गुस्सा आ रहा है आप पे, बेवकूफ फैमिली। हवा तो बड़ी मस्त चल रही है। अरे भाई साहब ये फैमिली दिख रही है ना आपको? अरे मेरे को तब से बता रहे हैं कि हम ना किसी को नहीं दिखते। साला कितना पागल है, कौन सी फैमिली की बात कर रहा है, अकेला तो खड़ा है,
भाई दिख तो रही है ना सच में तेरे को? हाँ भाई दिख रही है, दिख रही है। देखो अंकल दिख रही है उसे। भाई चल ठीक है, मिलते हैं बाद में। कब्जी हो रही है मेरे पेट में। अरे अंकल जी उसे तो आप दिखाई दे रहे हो, वो लड़का झूठ नहीं बोलता। इस लड़के ने तो मेरा सारा काम बिगाड़ा हुआ है, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। बेटा वो लड़का झूठ बोल रहा है, उसे हम नहीं दिख रहे। अच्छा मतलब आप बहुत खतरनाक भूत हो, आपके पास शक्तियां तो होंगी है ना? और मैं सब मान जाऊंगा, ऐसा कैसे सोचा आपने? मतलब तुम नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। अरे बेटा तू एक इकलौता ऐसा इंसान है जिसको हम दिख रहे हैं, हमें तुमसे एक मदद चाहिए। देखो अंकल जी मेरे पेटीएम में पैसे कम है, मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा। मदद चाहिए? सारे पैसे लूट लेते हो, मेरे दोस्तों ने भी ऐसे लुटा हुआ मेरे को, हमेशा पेटीएम करवाते रहते हो। मैं नहीं करूंगा पैसे ट्रांसफर। अबे समझता क्यों नहीं मूर्ख इंसान, हम भूत हैं भूत। ऐसे चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? मम्मी को बताऊंगा मैं। अबे क्या मम्मी को बताएगा? आपने मेरे को बहुत डांट दिया अंकल जी। अब एक काम करते हैं, मैंने फिल्मों में देखा हुआ कैमरे में भूत नहीं दिखता, मैं सेल्फी लूंगा अब देखता हूँ। तो गाइस जिसे जिसे पार्ट टू चाहिए जल्दी से जाके कमेंट करो और इस वीडियो का लाइक कैमरे करें। 50,000 लाइक, 50,000 लाइक होते ही पार्ट टू आ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 50,000 का टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, तो जाके लाइक एम पूरा कर दो जल्दी से, और पार्ट टू मैं तुरंत डाल दूंगा। और जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।